बजे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर में चूहे ने कुतर दिया शव, कांग्रेस का हाथ उद्धव सरकार के साथ, अजीत पवार का काफिला रोका। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। इंदौर में चूहे ने कुतर दिया शव। जिला अस्पताल के मोर्चूरी से पोस्टमार्टम के लिए चादर हटाई तो चेहरे और हाथ से रिस रहा था खून। इंदौर के जिला अस्पताल में मोर्चूरी में एक बार फिर एक व्यक्ति के शव को चूहों ने कुतर डाला। परिजन पुलिस के साथ सुबह पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे और चादर हटाई तो उनके होश उड़ गए। शव का चेहरा और एक हाथ बुरी तरह कुतरा हुआ था, वहां से खून निकल रहा था। जब परिवार ने इस मामले में सवाल किया तो जिम्मेदार पहले तो जवाब नहीं दे पाए, बाद में कहा कि उन्हें नहीं मालूम। यह रात का मामला है, यहाँ खुला क्षेत्र होने से चूहे तो आते ही है। धार जिले के बगदुर स्थित तेजवाह गांव निवासी कृष्णकांत पुत्र रामरतन पांचाल ने शुक्रवार को जहर खा लिया था। गंभीर हालत में दोपहर 12 बजे इंदौर के आनंद अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। यहाँ दोपहर 3:30 पर उनकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने करीब 2 घंटे में पंचनामा तैयार किया और शाम 5:30 पर पोस्टमार्टम के लिए शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। भतीजे राहुल और गणेश ने बताया कि शाम होने की वजह से डॉक्टर ने शव पोस्टमार्टम रूम में रखवाने को कहा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का हाथ उद्धव सरकार के साथ, पटोले थोराज चौहान में क्लोज डोर मीटिंग। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव एच के पाटिल मुंबई दौरे पर है। कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हो रही है और एजेंडा महाराष्ट्र में कांग्रेस को मजबूत कर अपनी खोई जमीन वापस लाने की है। हालांकि पिछले 2 दिनों के मंथन में एक बात उभर कर सामने आई, हक्की प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बोल बचन से कांग्रेस के ही मंत्री सहमत नहीं है। सूत्रों के अनुसार पाटिल के साथ हुई बैठक में कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को समर्थन जारी रखना चाहिए। जहां तक पार्टी को मजबूत करने की बात है तो इसके लिए सभी को पूरी ताकत से जमीन पर उतरना होगा। स्थानीय निकाय के अलावा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन मजबूत कर अपने दम पर चुनाव लड़ा जा सकता है। नेताओं ने यह भी कहा कि सिर्फ मीडिया में बयान देने से पार्टी मजबूत नहीं होगी। तो वही तीसरी ओर अजीत पवार का काफिला रोका। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की कार को रोकने के लिए मान्यता प्राप्त आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को उस्मानाबाद जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की कार को रोकने के लिए मान्यता प्राप्त आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ लाठीचार्ज किया। मिली जानकारी के अनुसार मासिक मनोदेय में वृद्धि की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ 4th दिन भी धरना जारी रखा। महाराष्ट्र में लगभग 70,000 आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। उस्मानाबाद में ऐसे ही एक विरोध में आशा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के काफिले का सामना किया और अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कार को रोकने में कामयाब रही। आशा कार्यकर्ता अजित पवार की कार को रोकने के लिए सड़क पर कूद पड़ी थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।